सो आई एम डन विद द हाफ पार्ट। अच्छा, और हमारे साथ एक और भी आ गई है फूड को टेस्ट करने के लिए, क्यूटू सी कैट। दे दो चाउमीन, दे दो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द अनदर यूट्यूब वीडियो। सो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये लड़की कहाँ गुम हो जाती है और एक मंथ के बाद जाहिर होती है। तो कुछ ऐसा था कि बहुत सारी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स थी जो मुझे अटेंड करनी थी, उसमें मैं बिजी थी, फिर बहुत ज़्यादा लेजी भी हो गई थी तो वीडियो नहीं बना पा रही थी। तो आज फाइनली मैंने टाइम निकाला है वीडियो बनाने के लिए। सो आज की जो वीडियो है थोड़ी सी डिफरेंट है नॉर्मल व्लॉग से मेरे, क्योंकि नॉर्मली मैं ट्रैवलिंग व्लॉग बनाती हूँ, तो आज का जो व्लॉग है वो ट्रैवलिंग व्लॉग नहीं है। दूसरा जो होता है वो शॉपिंग व्लॉग होता है, तो ये शॉपिंग से भी रिलेटेड नहीं है। तो आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को पता चलता जाएगा कि ये आखिर व्लॉग है किस चीज़ का। सो मेकअप वगैरह मैंने कर लिया है, तो बाल मैंने नहीं बनाए, तो सोचा कि मैं बाल आप लोगों के साथ बनाती हूँ। क्योंकि बहुत सारे DMs मुझे आते हैं कि जो आप कर्ल्स करती हैं वो किस तरह से कर्ल्स करती हैं, उस पर ट्यूटोरियल बना दें। तो फाइनली आज मैं जा रही थी बाहर, तो मुझे कर्ल्स करने थे वैसे ही, तो वो मैंने नहीं बनाए। मैंने सोचा कि वो रिकॉर्ड कर लेती हूँ और आप लोगों को उसमें से कोई टिप्स मिल जाए, कोई हेल्प मिल जाती है, तो व्हाई नॉट। सो चले अभी हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले हमें चाहिए होगा इस हेयर स्टाइल बनाने के लिए इस तरह का स्ट्रेटनर। अगर आपके पास कंपनी कोई भी हो, जो भी आपके पास कंपनी है वो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसका जो साइज़ है वो ये वाला होना चाहिए स्लिम, ठीक है। और अगर आपके बाल वेवी हैं या कर्ली हैं या कैसे भी, तो आप जिस तरह से आप स्ट्रेट करते हैं नॉर्मली तरह से आप स्ट्रेट कर लें अपने बालों को। सो मैंने अपने स्ट्रेट कर लिए हैं बाल, आप देख सकते हैं। और फिर अब हम अपना हेयर स्टाइल स्टार्ट करते हैं। जैसे मुझे रखने हैं साइड प्रोफाइल रखनी है, ठीक है, तो वो मैंने कर लिए हैं। पीछे से हम बिल्कुल इक्वल पार्टीशन करेंगे, ठीक है। ये मैंने इक्वली जितने इस तरफ से उतने इस तरफ से ऐसे आगे कर लिए अपने बाल, ठीक है। इसके लिए आपको एक कोई भी क्लिप चाहिए होगा, हेयर क्लिप, वो अपने पास रख लें, और हेयर कॉम भी रखें अपने पास। तो यहाँ से मैं अभी स्टार्ट करूँगी। नॉर्मली जो हम अपने बाल जब कर्ल करते हैं तो पहले हम यहाँ से पार्टीशन करते हैं, ये वाला स्टेप लेते हैं। तो पहले मैं इसे हेयर स्टाइल में ये वाला नहीं करती, मैं स्टार्ट करती हूँ यहाँ से, ठीक है। अभी इस हेयर स्टाइल के लिए कोई लाजमी नहीं है कि आपकी लेयर कटिंग की हुई हो या स्टेप कट किया हो, आपको नॉर्मली कोई भी कट किया हो आप कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं पहले अपना पार्ट ले लूँगी अपने बालों का, ठीक है, जितना आपको इजी लगे आप ले सकते हैं। ले लिया इसको, मैंने गरम पहले से ही कर लिया था, और इसको अभी मैं यहाँ से पकड़ूंगी हाफ, ठीक है, आउटवर्ड की तरफ से इसको मूव करके, और इसका एंगल ऐसे रखूंगी अपने स्ट्रेटनर का ऐसे करके। अब इसको मैं इस तरह से कर्ल कर दूँगी। पहला पार्ट मैंने कर्ल कर लिया है, अभी दूसरा पार्ट में लूँगी इतना सा, ठीक है। ये मैंने पार्ट जो है यहाँ से स्टार्ट किया था, इसको मैं थोड़ा सा नीचे से स्टार्ट करूँगी, ठीक है। तो यही टेक्निक है हमारी, जैसे जैसे हम करते जाएंगे तो हम स्ट्रेटनिंग को और कर्ल्स को अपना नीचे से करते जाएंगे, उतना नीचे करते जाएंगे, ठीक है। और स्ट्रेटनर का जो एंगल है वो भी इस तरह से रखेंगे आउटवर्ड का, ओके। सबसे पहले एक और टिप, जब भी आप लोगों ने कोई कर्ल्स करने हैं या ब्लो ड्राई करना है या इस तरह का कोई भी हेयर स्टाइल करना है, तो डोंट यूज़ कंडीशनर अगर आपके बाल सिल्की हैं तो। ऑलरेडी मैं हमेशा वो अपनी टेक्निक जो है यूज़ करती हूँ, लेकिन इस दफ़ा मैं भूल गई, मेरे बाल ऑलरेडी सिल्की हैं तो, और कंडीशनर मैंने इस्तेमाल कर लिया है, तो उस वजह से ये मुझे लग रहा है कि ये खुलते जा रहे हैं और खुल जाएंगे आगे भी। तो अगर आप लोगों के बाल स्ट्रेट हैं या सिल्की हैं बहुत ज़्यादा, तो जिस दिन भी आपको कर्लिंग करनी हो तो कंडीशनर ना यूज़ करें। कटती जा रही हूँ, जो मैंने आप लोगों को टेक्निक बताई है उसी टेक्निक को फॉलो करते मैं सारे बाल कटती जा। सो आई एम डन विद दी हाफ पार्ट। आपका लुक इस तरह का आएगा एज लाइक ब्लो ड्राई। अगर आपको और मेसी लुक चाहिए तो आप अपनी फिंगर्स के साथ इसको कॉम्बिंग कर लें, तो ये बिल्कुल प्रॉपर एक ब्लो ड्राई लुक आएगा। जिस तरह से मैंने आपको टेक्निक बताई, पहले मैंने
यहाँ से पार्ट लिया, उसको कर्ल कर लिया, फिर जो दूसरा लिया उसको थोड़ा सा डाउन कर लिया, फिर दूसरा और डाउन, ऐसे डाउन डाउन डाउन। अब देखिए जो लास्ट पार्ट है मेरा, बिल्कुल मैंने यहाँ से स्टार्ट किया और इतना से ही कर्ल कर लिया। फिर ये इन बालों को मैंने पूरा मर्ज कर लिया, तो ये लुक आ गया। अभी मैं इस पार्ट को भी कर लेती हूँ और फिर आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो अभी मैंने इन बालों को भी कर्ल कर लिया है और अब ऐसे मैं इनको भी वैसे ही मर्ज कर लूँगी। ठीक है, ये हो गया मर्ज। तो दिस इज द लुक। बहुत सारे मैसेजेस थे तो फाइनली बना ली मैंने आप लोगों के लिए वीडियो। और जो मैंने टेक्निक बताई है वो टिप जो है ना भूलना। कर्लिंग हो गई है, मेकअप भी हो चुका है और अभी मैं जा रही हूँ अपनी ड्रेस चेंज करने। सो हो गई थी ड्रेस चेंज इतनी जल्दी से। मैं रेडी हो चुकी हूँ फुल और चलते हैं हम अब मीटिंग अटेंड करें। तो मेरी जो फर्स्ट मीटिंग थी वो थी मेरी वर्कशॉप, वो रिलेटेड टू बिजनेस थी। तो आप लोग सोच रहे हैं बिजनेस में क्यों वर्कशॉप अटेंड करी, वो इसलिए क्योंकि आई हैव डन माई ग्रेजुएशन इन टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग। तो उससे रिलेटेड मैंने अपना ऑनलाइन क्लोथिंग भी स्टार्ट किया है, ऑनलाइन क्लोथिंग ब्रांड भी स्टार्ट किया है, जो कि ऑन एंड ऑफ उससे मैं थोड़ा बहुत करती रहती हूँ। तो वर्कशॉप भी मेरे काम का था, जाहिर सी बात है वो एक बिजनेस है, उसके लिए मैंने किया। लेकिन इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आप लोगों को मैं बहुत अच्छी रिपोर्ट दूंगी, क्योंकि उससे अभी मैं एक्टिव होने वाली हूँ। और उसके बाद दूसरी जो मेरी मीटिंग थी वो हैदराबाद में एक रेस्टोरेंट ओपन हो रहा है, तो उसकी आज लॉन्चिंग है। वहाँ का मुझे इन्विटेशन आया हुआ था तो मुझे वहाँ भी आना था, और दोनों की टाइमिंग जो थी बिल्कुल सेम थी। तो इसको मैंने ऐसे भागम भाग में मैनेज किया टाइम को, और उसके बीच में मैं अभी बना रही हूँ वीडियो, क्योंकि ताकि आप लोगों को भी पता चले कि हमारी लाइफ कितनी स्ट्रगलिंग है। तो अभी मैं यहाँ पे पहुँच चुकी हूँ, क्योंकि फर्स्ट मीटिंग में मैंने इसलिए वीडियो नहीं बनाई क्योंकि वो वर्कशॉप था, तो मुझे मुनासिब नहीं लगा कि बीच में मैं फ़ोन उठा के और कैमरा उठा के और बोलना शुरू कर दूँ, क्योंकि फिर वो नहीं था, ईजी नहीं था वहाँ पर। तो अभी मैं यहाँ पर आप लोगों को सारी अपडेट्स दे रही हूँ। तो रेस्टोरेंट पे मैं पहुंच चुकी हूँ और सारे ब्लॉगर्स भी आ चुके हैं, वो लोग यहाँ हैं, ये लोग रहे यहाँ पे, सारी बातें शातें चल रही हैं और मैं यहाँ पे बना रही हूँ वीडियो, क्योंकि यहाँ पे लाइटिंग बहुत अच्छी आ रही है। जी केड़ी कचेरी कहूँ यार, अभी नहीं शर्मा ही छोड़ दो, शर्मा वीडियो भी ठहरा शर्मा है तो बेटा माँ जो क्लिप्स हणंदम स्क्रीन रिकॉर्डिंग करे जो इंस्टाग्राम जो त ही ॾिसो हिते हीअं छायो पियो आहे, हे त वरी एक्टिंग थो करे। ये यहाँ पे शूज डिस्कस हो रहे हैं कि मेरे शूज का ये नंबर है और मुझे शूज नहीं मिलता। कौन सा इशू हाइट का इशू, ये डिफरेंट इशू है। और अभी यहाँ पे क्या इशू चल रहा है, चप्पल इशू, इसका पैर बड़ा है, उसका पैर छोटा है और मेरा पैर बहुत छोटा है। देखिए कितनी सीरियस डिस्कशन चल रही है, तुम लोगों सबको कॉम्प्लेक्स हो गया। अभी क्या हो रहा है, फिर तो कॉम्प्लेक्स देती रहती, हो गया। ये यहाँ पे है हाइट चेक कर रही है दोनों, देख सकते हैं कि जब ये ब्लॉगर्स और व्लॉगर्स साथ होते हैं तो क्या होता है, कोई भी खाना नहीं खा रहा यहाँ पे, सब लोग बस पिक्चर्स ही बना रहे हैं, पिक्चर्स। यही एक बंदी है जो वाकई में इस फूड का सही इस्तेमाल कर रही है। ये सही है भाई, ये देखो वो वहाँ पे बिजी है, ये यहाँ पे बिजी है, ये यहाँ पे बिजी है। क्या करना है, मुझे वैसे अलग अलग प्रमोट करना है। सही है, डन है। और तुम पोज मार रही हो, अच्छा। और हमारे साथ एक और भी आ गई है फूड को टेस्ट करने के लिए,
क्यूटू सी कैट। अब ये देख ही नहीं रही, तुमने इसको खाना दे दिया। हाँ ना, बेचारी कब से ढूंढ रही थी यार, बोल रही थी दे दो दे दो दे दो, अभी इसको मैंने बिजी कर दिया। और आपको इसकी आवाज समझ में आ रही, अब मुझे तंग नहीं करना, समझी? दे दो चौमिन, दे दो वो दे दो। ये निकालना था, वीडियो बना रही हूँ। ओह माय गॉड। सो अभी मैं घर आ चुकी हूँ और ड्रेस जैसे कि आप देख सकते हैं तो मैंने चेंज कर ली है और मेकअप मैं अभी रिमूव करने जा रही हूँ। ड्रेस से मैं बहुत जल्दी बेहजार हो गई थी और आज इस भागम भाग के चक्कर में मैंने पानी नहीं पिया था, जिसकी वजह से मुझे अभी डिहाइड्रेशन हो गई है और मुझे सर में इतना दर्द हो गया है, अभी मेरा सर फट रहा है बिल्कुल। तो इस वीडियो को हम करते हैं यहीं पे एंड और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो अच्छी लगी है, अगर नहीं भी लगी तो भी लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक करने से वीडियो की रीच बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपने देखी मेरी रूटीन ऐसी है, हैक्टिक भागम भाग, और उस भागम भाग के चक्कर में मैंने पानी नहीं पिया पूरे टाइम में। 2 बजे से मैंने तैयार होना स्टार्ट किया था और अभी 10:30 बज रहे हैं और मैंने पानी नहीं पिया। वहाँ पे सिर्फ एक मैंने कोल्ड ड्रिंक पी थी और बस। तो वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद करें। अल्लाह हाफिज़।